कैसे हैं आप सब। वंशावली प्रमाण पत्र हेतु या जितने भी प्रपत्र हैं सबको एक जगह देख करके आप समझ सकते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सारे प्रपत्र को कैसे भरना है ये भी हम बताएंगे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की है यूजी पीजी और फिलहाल रिसर्च के काम में मैं अवेलेबल हूँ आपके साथ और सारा कुछ हम बताने वाले हैं बिहार के जो भी इम्पोर्टेंट काम है उसके रिगार्डिंग। सो सेवा में आप देखोगे यहाँ पे पंचायत वंशावली अगर बनवाना हो तो ये आवेदन कहाँ देना है, जाहिर सी बात है ग्राम कचहरी में देना है, ग्राम पंचायत में देना है। सेवा में आप इस तरीके से ये वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, हाँ थोड़ा बहुत बदल हो सकता है ये प्रमाण पत्र में आपको कोई, लेकिन कंटेंट इसमें का मेन जो मटीरियल लिखा हुआ है वो यही रहने वाला है। ये शपथकर्ता जिनको चाहिए उनका सारा नाम पता गांव यहाँ भरना है, स्थायी निवासी जिस भी ग्राम पंचायत वार्ड के होंगे लिखेंगे, मुझे डैश कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है लिखेंगे, मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। अब आप सोचोगे कि भाई परिवार की वंशावली कैसे भरनी होती है, बहुत सिंपल है, अलग वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन आपको एक चीज समझा देते हैं, सारा फॉर्म आपको हम इसमें करके बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए किसी के व्यक्ति का तीन पीढ़ी से नहीं बना है, उनका नाम हो जाता है रविंदर राठी, ठीक है, हमने लिख दिया और सबसे ऊपर, और इसी फैमिली ट्री में उनके पांच बेटे हैं, तो एक दो तीन और ये चार और पांच और छह बेटे, मतलब मान लेते हैं छठी जो है वो बेटी है, तो बेटी का भी सबका नाम यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए इनका नाम हो गया ए बी सी डी ई एफ, ऐसे करके लिखेंगे, ये हो गया आपका वंशावली। और फिर इसमें आगे चल के और भी इसके प्रोग्राम आएंगे और भी इसमें चीजों को लिखना है, गवाह का नाम, इन सब बनाते वक्त आपको टांगा जाएगा कुछ दिन तक ग्राम पंचायत में और उसमें कोई क्लेम नहीं करेगा तो इसको फिर गवाह का नाम, पिता पति का नाम, ये सब किया जाएगा, भरा जाएगा। बात आप समझने वाली आपको यही है कि ये सारा चीज भरना कैसे है वो अलग वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन ये प्रपत्र आप देख लो। अगर ये प्रपत्र चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम या व्हाट्सएप का लिंक भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे हम इसको भेज रहे हैं। दूसरा प्रपत्र वन किसके लिए है, देखो राजस्व ग्राम थाना संख्या अंचल जिला, ये लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को इतर द्वारा सूचित किया जाता है। अधिकतर व्यक्तियों को इसका काम नहीं है, काम आपको है सिर्फ प्रपत्र दो और तीन का, तो आप इसको देख लो, ये भी चाहिए हम भेज देंगे। प्रपत्र दो और तीन आपके लिए बड़ी ज्यादा जरूरी है। प्रपत्र तीन आपने सुना होगा, इसमें क्या होता है, राजस्व ग्राम लिखोगे थाना स्वघोषणा के विरुद्ध निर्गत किए गए सत्यापन प्रमाण पत्र, मतलब मामला आपने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है उसी का ये आगे इसके विरुद्ध निर्गत किया जाएगा सत्यापन के लिए, ये प्रमाण पत्र है, ठीक है, समझो। रैयत का नाम हम लिखेंगे, रैयत द्वारा दाखिल स्वघोषणा का क्रम संख्या, जो दाखिल होता है ना उसका क्रम संख्या भी भरना है, भूमि का ब्यौरा, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा, चौहद्दी, ये सब यहाँ भरना है। भूमि का वर्गीकरण, किस तरीके की भूमि है, कृषि वाली है या प्रॉपर्टी किस तरीके का है। जमाबंदी संख्या, उसके बाद सेस को छोड़कर लगान, सेस जो होता है ना इकोनॉमी आप पढ़ोगे तो उसमें हम आपको पढ़ाए हुए हैं, सेस क्या होता है, टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सेस को छोड़कर भूमि का लगान जो होगा वो। भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पाई गई है, खाता, खेसरा, रकबा, जिसकी प्रविष्टि यानी कि मान लो वो पाया गया कि नहीं सही है, इसका सारा डॉक्यूमेंट सही है तो वो यहाँ भरेंगे, लेकिन भूमि का जो व्यवरा होगा वो यहाँ भरेंगे, इससे अलग हो सकता है। अभियुक्ति, अगर मान लीजिए कोई किसी तरीके का अभियुक्ति आपको है तो, कि कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, वहां लिखेंगे। अब यहां भरते जाएंगे, ये होता है अंचल, जिला, राजस्व, ये तीन में आपको भरना है। अमीन का हस्ताक्षर, कानूनगो का हस्ताक्षर, सहायक बंदोबस्त का हस्ताक्षर, यही वो करके लिख करके ले जाएगा, तो एक फॉर्म ये हो गया तीन। अब देख लेते हैं प्रपत्र 3.1 क्या कहता है। आपने वंशावली वहां दे दिया, बनवा लिया, वंशावली का जो आगे का प्रोसेस है वो यहां से होगा। शिविर प्रभारी, शिविर में जो रहेंगे प्रभारी वो अंचल जिला स्वयं को वंशावली समर्पित करने के संबंध में, और वंशावली को भाई फाइनल हो गया कि वो यहां देना है, और इसमें हम लिखेंगे कि हम लोग डैश श्रीमती, श्री या श्रीमती, पुत्र पुत्री श्री डैश, तीन पीढ़ी का है यहाँ लिखा हुआ, पुत्रियों, पत्नी, निवासी, ग्राम, थाना, अंचल, ये सब भर के आप जब दोगे तो जिसका भूमि विवरण आवेदन के साथ संलग्न पत्र 11 में अंकित है, स्व, पिता, ग्राम। देखो एक चीज का ध्यान रखना है, मैं किसी भी मामले में ये प्रपत्र भरने वाले को या किसी शिविर में आए हो या सरकारी कर्मचारी को किसी भी तरीके का रिश्वत नहीं देना है, ये याद रखिएगा, ये एकदम प्रॉब्लमेटिक चीज है, इससे दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि ये लोग आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा रिश्वत अगर आप लेते हो तो सबसे ज्यादा आपका काम फंसेगा। ये इतना पेचीदा है कि इतना आसानी से तो होने वाला नहीं है, फिर भी कोशिश किया जा रहा है, तो आपको वंशावली वृक्ष को सर्टिफाई करने के लिए ये हो जाएगा फॉर्म। अब देख लेते हैं 3.1 भी हो गया, प्रपत्र दो जरा ध्यान से देख लीजिए, इसके लिए है रैत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि को स्वघोषणा पत्र, ये फिर से स्वघोषणा पत्र है, सेल्फ डिक्लेरेशन है,
रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, ये सब। तो आप समझ लो कि ये कितने काम का चीज है आपको। ये सारा फॉर्म मैंने एक जगह आपको दिखा दिया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप एक एक करके फॉर्म जो जो आपके काम का है उसको डिटेल में भरना सिखाएंगे, किस तरीके से भरना है, कहाँ भरना है, कौन से फॉर्म का आपको कहाँ यूज होना है। क्योंकि देखो ये एक्सरसाइज जब तक चलेगा तब तक तो चलेगा, अगर पूरा चलेगा तब भी आपके काम आएगा। और ये वही आदमी कर सकता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो। तो आप समझे रहोगे तो पढ़े लिखे किसी व्यक्ति को समझा दोगे घर में तो वो समझ लेगा और सारा आपका काम आसान हो जाएगा। इसके लिए जो भी अगर और भी डिटेल प्रपत्र चाहिए तो DLRS का वेबसाइट है जहाँ पे आप जा करके कर सकते हो। ये चीज समझ में आ रहा है आपको, किसका वेबसाइट है? DLRS का। यहाँ से आप इस चीज़ को सीख सकते हो, क्योंकि ये मेरे भी घर में इसकी जरूरत महसूस हुई तो मैंने सोचा कि थोड़ा गाइड करता हूँ सभी को, क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भी गाइडेंस की जरूरत होती ही है। सो, चलते हैं, देखते हैं अगले वीडियो का। एक सीरीज आएगा पूरा, 4-5-6 वीडियो में हम पूरा कवर कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम आते जाएगा उसका भी हम निवारण करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। शॉर्ट्स वीडियो में भी आपको पता चल जाएगा बहुत कुछ।